गुड डे टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप जानते हैं, आज आप कुछ नया सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं काउंट फॉर्मूला का उपयोग क्यों करते हैं? काउंट की मदद से आप जितने भी सेल में नंबर होंगे उनको आप काउंट कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं काउंट ब्लैंक का उपयोग क्यों करते हैं? काउंट ब्लैंक की मदद से आप जितने भी आपके पास डेटा है टेबल के अंदर, उसके अंदर जितने भी ब्लैंक सेल है उसको काउंट करेगा। तो इस प्रकार से आप काउंट ब्लैंक की मदद से ब्लैंक सेल को काउंट कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं काउंट ए फॉर्मूला का उपयोग क्यों करते हैं? काउंट ए फॉर्मूला की मदद से आप नंबर के सेल और टेक्स्ट के सेल दोनों को काउंट कर सकते हैं। सेल के अंदर चाहे नंबर हो या टेक्स्ट हो उसको काउंट करके दिखाएगा। क्या आप बता सकते हैं एवरेज और एवरेज ए के फॉर्मूला में क्या अंतर होता है? एवरेज फॉर्मूला की मदद से आप किसी भी ग्रुप के नंबर का एवरेज निकाल सकते हैं, चाहे उसमें टेक्स्ट है अथवा नहीं। एवरेज फॉर्मूला टेक्स्ट को काउंट नहीं करता, लेकिन एवरेज ए फॉर्मूला नंबर के साथ में हर एक टेक्स्ट की वैल्यू को एक मानता है, इसीलिए टेक्स्ट और नंबर दोनों को मिलाने के बाद एवरेज निकालेंगे। क्या आप बता सकते हैं SQRT फॉर्मूला का उपयोग क्यों करते हैं? SQRT की फॉर्मूला की मदद से आप किसी भी नंबर की रूट वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 49 नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तब इसके लिए आप SQRT का फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें, फिर बताए गए तरीके से कैल्क की फाइल को ओपन करें। आइए अब जानते हैं आज आप क्या सीखेंगे। आज की क्लास में आप एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद डेटा मेन्यू के कुछ ऑप्शन जैसे कि डिफाइन रेंज, सेलेक्ट रेंज, सॉर्टिंग, फिल्टर, सब टोटल, वैलिडेशन, टेक्स्ट टू कॉलम के ऑप्शन के बारे में सीखेंगे, और बाद में आप नाउ, टुडे, ईयर के फॉर्मूला के बारे में सीखेंगे, और फिर आप पिछली क्लास के फॉर्मूला की प्रैक्टिस करेंगे। आइए अब सामने दिए गए टेबल को बनाएं अथवा कोई सेव की गई कैल्क की फाइल को ओपन करें। क्या आप बता सकते हैं कि आपने टेबल बना चुके हैं या नहीं? आइए अब डेटा मेन्यू के डिफाइन रेंज और सेलेक्ट रेंज ऑप्शन के बारे में सीखें। डिफाइन रेंज की मदद से आप टेबल में किसी भी भाग को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसे आपको बार बार उपयोग करना होता है, और आप अपने जो भी डेटा को डिफाइन किया है उसे आप देखना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट रेंज का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से डिफाइन रेंज और सेलेक्ट रेंज के बारे में सीखें। आइए वीडियो की मदद से डिफाइंड एंड सेलेक्ट रेंज का उपयोग करना सीखें। डिफाइन से आप पहले ही कुछ सेल, कॉलम, रो या पूरी शीट को डिफाइंड कर सकते हैं जिसे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने कॉलम को सेलेक्ट किया और उसके बाद डेटा में जाएंगे और डिफाइन रेंज पे क्लिक कर देंगे। अब आप किस नाम से इसको डिफाइन करना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे टाइप कर दें। जैसे कॉलम नेम, हमने यहाँ पे नेम के नाम से इसको डिफाइंड किया और फिर ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जैसे ऐड पे क्लिक किया बॉक्स के अंदर नेम आ गया, ओके पे क्लिक कर दें। तो अब ये जो कॉलम था ये डिफाइन हो गया। फिर से दूसरे कॉलम को सेलेक्ट करें, डिफाइन रेंज पे जाए, जो भी नाम देना चाहते हैं इस कॉलम का नाम दें। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लास लिखा, ऐड पे क्लिक किया और फिर ओके पे क्लिक कर दिया। फिर से अगले कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने कॉलम को सिलेक्ट किया, डेटा पे गए, डिफाइन रेंज पे क्लिक किया, फिर इस कॉलम का नाम देना, नाम दे दें यहाँ पे, हमने यहाँ पे प्रेजेंट लिखा जो ऑलरेडी पहले से नाम दे दिया हुआ था यहाँ पे।
प्रेजेंट लिखा, ऐड पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक कर दिया। तो अब ये भी कॉलम डिफाइन हो गया। फिर अगले कॉलम को सिलेक्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट किया, डेटा पे क्लिक किया और डिफाइन रेंज पे क्लिक किया। अब हम इस कॉलम को भी नाम दे देंगे, लीव का नाम दे दिया हमने यहाँ पे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, ऐड पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर से हमने लास्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, डेटा पे क्लिक करेंगे, डिफाइन रेंज पे क्लिक करेंगे, नाम दे दें यहाँ पे जो नाम देना चाहते हैं आप। हमने यहाँ पे टोटल नाम दे दिया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। फिर इसे ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड करने से ये बॉक्स में आ जाएगा, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने सारे सेल को सिलेक्ट करके, अब हम एक बार पूरे सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी एक डिफाइन रेंज देंगे, इसको अलग से कोई नाम दे देंगे। डेटा पे क्लिक किया, बॉक्स आया और यहाँ पे हमने ऑल नाम लिखा, हमने इसको ऑल नाम से एक रेंज दे दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। तो डिफाइन से हमने हर एक सेल, हर एक कॉलम को और पूरे टेबल को हमने पहले से ही डिफाइन कर दिया है। जब आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट करना हो तो आपको कर्सर या कीबोर्ड का यूज नहीं करना, आप डेटा में जाएंगे, सेलेक्ट रेंज में जाएंगे, जिसको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपको नेम कॉलम को सेलेक्ट करना, सिर्फ नेम पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो नेम वाला कॉलम है वो सिलेक्ट हो गया। ऐसे अगर आपको क्लास वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, डेटा पे क्लिक करें, सिलेक्ट रेंज पे क्लिक करें, जो हमने पहले से डिफाइन क्लास को सिलेक्ट करें और ओके पे क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हैं जो क्लास वाला कॉलम है वो सिलेक्ट हो गया। ऐसे अगर आपको प्रेजेंट वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए आप डेटा पे जाएं, सिलेक्ट रेंज पे क्लिक करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, सेलेक्ट रेंज पे क्लिक करने के बाद प्रेजेंट है, प्रेजेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इस बॉक्स में आप देख सकते हैं हमने लीव वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया और फिर ओके पे क्लिक कर दिया, तो लीव वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो गया। इसी प्रकार से आप जिसको भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट रेंज में जाके उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और ओके पे क्लिक कर दें। जैसे हमने यहाँ पे टोटल पे सिलेक्ट किया और ओके पे क्लिक कर दिया, जो टोटल वाला कॉलम है, टोटल डेज वाला, वो सिलेक्ट हो गया। अगर आप इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हमने पहले से ऑल के नाम से डिफाइन कर रखा है, डेटा पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट रेंज पे क्लिक करेंगे, ऑल पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो पूरा ये डेटा है वो सिलेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप डिफाइन एंड सिलेक्ट रेंज का उपयोग कर सकते हैं। डिफाइन से पहले उसको डिफाइन कर दें और सिलेक्ट रेंज से जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन सॉर्ट का है, क्या आप बता सकते हैं सॉर्ट ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? सॉर्ट ऑप्शन की मदद से आप अपने डेटा को असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में और डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में कर सकते हैं, उसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। सॉर्ट ऑप्शन का आप पूरे डेटा अथवा सेलेक्ट किए हुए भाग पर भी लगा सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से सॉर्ट ऑप्शन के बारे में सीखें। आइए वीडियो की मदद से सॉर्टिंग का उपयोग करना सीखें। सॉर्टिंग की मदद से आप अपने डेटा को, चाहे टेक्स्ट या नंबर को, आप उसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने एक कॉलम को सिलेक्ट किया जिसके अंदर नाम लिखा हुआ है। अभी हमने इसको सिलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को डेटा मेन्यू पे लेके गए, वहाँ पे क्लिक किया, एक ऑप्शन आया, बॉक्स आया, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर हमने सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक किया। सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस आया, यहाँ पे एक्सटेंड सिलेक्शन, करंट सिलेक्शन और कैंसिल। हमें करंट सिलेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप करंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप ने जिसे सेलेक्ट किया है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें। हमने नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट किया, फिर ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन दे रखा है। असेंडिंग से आप बढ़ते हुए क्रम में अपने जो डेटा या नंबर या टेक्स्ट है उसको कर सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं, और डिसेंडिंग से आप घटते हुए क्रम में। हमने असेंडिंग ऑर्डर को सेलेक्ट किया और ओके पे क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ था वो असेंडिंग ऑर्डर में आ गया।
इसका मतलब जो ए का वर्ड स्टार्ट होगा सबसे पहले ए, बी इस तरीके से, जो लास्ट वाले ऑप्शन होंगे वो सबसे नीचे आ जाएगा। फिर इसको सेलेक्ट करें, पॉइंटर को डेटा मेन्यू पे ले जाएं, वहां पे क्लिक करें, फिर सॉर्ट पे क्लिक करें, बॉक्स आ जाएगा, फिर करंट सिलेक्शन को सेलेक्ट कर ले। हमें इसके ऑर्डर को फिर से चेंज करना है, इसीलिए हमने इस बार डिसेंडिंग पे क्लिक किया। जैसे हम डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे, डिसेंडिंग पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है, तो अब आप देख सकते हैं जो उसका ऑर्डर है वो चेंज हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विनय लिखा हुआ पहले लिखा आया, विकास, सौरभ और अजय सबसे लास्ट में, क्योंकि ये अब घटते हुए क्रम में आ गया। इसी प्रकार से आप नंबर के ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर को सिलेक्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, डाटा पे क्लिक करें, फिर सॉर्ट पे क्लिक करें। हमें फिर से करंट सिलेक्शन पे क्लिक करना है, हमने करंट सिलेक्शन पे क्लिक किया, फिर देख सकते हैं यहाँ पे सॉर्ट बाय में जिस कॉलम को हमने सिलेक्ट किया उसका नाम है, तो हमने वहां पे क्लिक किया, फिर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के ऑप्शन है, अगर केस सेंसिटिव दे रखा है यहाँ पे, रेंज, कॉपी, अलग अलग तरीके के यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, आप चाहे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, अगर टॉप टू बॉटम करना चाहते हैं सॉर्टिंग, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करके टॉप टू बॉटम कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट करना है, मान लीजिए किसी रो को आपने सेलेक्ट किया, उसका आप सॉर्टिंग लेफ्ट टू राइट करना चाहते हैं, तो आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। हमने कॉलम को सेलेक्ट किया, इसीलिए हम फिर से सॉर्ट क्राइटेरिया पे क्लिक करेंगे। हमने डिसेंडिंग पे क्लिक कर दिया, डिसेंडिंग पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं जो ऑर्डर था वो यहाँ पे चेंज हो गया। आप देख सकते हैं आप ये भी घटते क्रम में आ रहा है, सबसे पहले 31, 30, तो इस प्रकार से वो घटते हुए क्रम में आ रहा है। फिर से अपने डेटा को सेलेक्ट करें, जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर डेटा पे क्लिक किया, सॉर्ट पे क्लिक किया और करंट सिलेक्शन को सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसे इसका ऑर्डर फिर से चेंज करेंगे, इसीलिए हमने इसे डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं हमने असेंडिंग को सिलेक्ट किया और ओके पे क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं जिसका ऑर्डर है अब चेंज हो गया, अब ये बढ़ते क्रम में आ गया। सबसे पहले 26, 27, 29 और जैसे लास्ट में 31। तो इस प्रकार से आप सॉर्ट की मदद से किसी भी टेक्स्ट या नंबर का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, उसे घटते या बढ़ते क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। आइए अब फिल्टर के बारे में सीखें। फिल्टर का उपयोग करके आप अपने सीट में से किसी भी जानकारी को निकाल सकते हैं, किसी भी एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत जानकारी निकाल सकते हैं। फिल्टर 3 प्रकार के होते हैं, ऑटो फिल्टर, स्टैंडर्ड फिल्टर, एडवांस फिल्टर। अभी आप सिर्फ ऑटो फिल्टर, स्टैंडर्ड फिल्टर के बारे में सीखेंगे। ऑटो फिल्टर की मदद से आप डेटा के किसी भी रो की जानकारी निकाल सकते हैं अथवा टॉप 10 लिस्ट निकाल सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से ऑटो फिल्टर का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से फिल्टर का उपयोग करना सीखें। फिल्टर की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट या नंबर पे फिल्टर लगा सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम में फिल्टर लगा सकते हैं, जिसके द्वारा फिल्टर लगाने के बाद आप उसके नेम के द्वारा या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या व्यक्तिगत किसी भी एक व्यक्ति का इन्फॉर्मेशन, किसी भी एक व्यक्ति का जानकारी निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने एक कॉलम को सेलेक्ट किया, नेम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद डेटा पे क्लिक करेंगे और फिर फिल्टर पे क्लिक करेंगे और ऑटो फिल्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑटो फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो नेम वाला कॉलम है उस पर एक बटन आ गया है। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं टॉप 10 स्टैंडर्ड फिल्टर। तो आप एक एक करके किसी भी व्यक्ति का या कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको राहुल की इन्फॉर्मेशन निकालना है तो वहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ राहुल की ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगा। अगर विनय का निकालना है तो उस बटन पे क्लिक करके विनय पे क्लिक कर दें तो जो उससे रिलेटेड जितने भी डेटा है सिर्फ उसी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगा। अगर आप सभी डेटा फिर से चाहते हैं तो उस बटन पे क्लिक करें और ऑल पे क्लिक कर दें तो वो सारी डेटा आ जाएगा। अगर आप नंबर के द्वारा फिल्टर लगाना चाहते हैं तो आप नंबर पे भी फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने प्रेजेंट वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, यहाँ पे सारे नंबर लिखे हुए हैं, डेटा पे क्लिक करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है
और फिल्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑटो फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस वाले कॉलम पे भी एक बटन आ गया, फिल्टर का बटन आ गया। जब इस बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, तो देख सकते हैं जो भी इस कॉलम के अंदर लिखा हुआ है वो सारे यहाँ पे आ जाएगा। 26, 27 जितने नंबर लिखे हुए हैं वो आ जाएगा। तो आप किसी नंबर के द्वारा पूरी जानकारी निकालना चाहते हैं, कोई भी नंबर सेलेक्ट करें, उस नंबर से रिलेटेड जो संबंधित जानकारी है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। जिस नंबर को आप सेलेक्ट करेंगे उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से आप टेक्स्ट या नंबर दोनों पे फिल्टर लगा सकते हैं और नाम या नंबर के द्वारा किसी भी एक व्यक्ति का अगर इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर सभी पे, अगर ऑल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको ऑल पे क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से आप फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं। फिल्टर के उपयोग से आप फिल्टर लगा के किसी भी एक व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन एक एक करके निकाल सकते हैं। अगला ऑप्शन सब टोटल का है। सब टोटल की मदद से आप बहुत से कार्य कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी हर एक रो का टोटल कर सकते हैं, हर एक रो को काउंट कर सकते हैं, और भी बहुत से ऑप्शन होते हैं जो आपकी मदद करते हैं आपके डेटा में सब टोटल का उपयोग करने के लिए। उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, आप उनमें से किसी भी फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। आइए वीडियो की मदद से सब टोटल ऑप्शन का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से सब टोटल का उपयोग करना सीखे। सब टोटल की मदद से आप उसके अंदर दिए गए कुछ फॉर्मूले, पहले से डिफाइन किए गए फॉर्मूले, जैसे कि टोटल, काउंट, मैक्स, एवरेज, ये सब निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें टोटल निकालना है तो हम सबसे पहले सेल को, कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, फिर डेटा पर क्लिक करेंगे और सब टोटल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सब टोटल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ फंक्शंस पहले से यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने जिसको सेलेक्ट किया था पहले यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ दिखाई दे रहा है जो सिलेक्शन किया था, और यहाँ पे यूज फंक्शन में कुछ पहले से दिए गए फंक्शन, कुछ पहले से दिए गए फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, प्रोडक्ट। हमें इन सबका टोटल करना है, हमने सम को सेलेक्ट किया, फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सब टोटल की मदद से जो टोटल डेज है उसको यहाँ पे काउंट करके दिखा दिया, 248, जो इन सब का टोटल किया वो यहाँ पे इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से आप दूसरे फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि हमें आप लीव को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, हमें इसको काउंट करना है कि टोटल कितनी लीव्स हैं, हमें काउंट करना है कि टोटल कितना सेल यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो सेल को काउंट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले डेटा पे क्लिक किया, सब टोटल पे क्लिक किया और काउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं काउंट की फॉर्मूला की मदद से जो सेल के अंदर नंबर होता है उसको काउंट करता है। काउंट को सिलेक्ट किया और ओके पे क्लिक कर दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 8 आ गया। इसने हर एक सेल को काउंट किया जिसके अंदर नंबर लिखा हुआ था, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, 1 को काउंट किया, फिर 0 को काउंट किया, फिर 4 को काउंट किया, 3 को, जितने सेल में नंबर्स लिखे हुए थे उनको काउंट करके यहाँ पे टोटल दिखा दिया, 8 आ गया। इसी प्रकार से आप अगर दूसरे फंक्शन को यूज करना चाहते हैं जो सब टोटल के अंदर दिया हुआ है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एवरेज निकालेंगे तो हमने इसको सेलेक्ट किया, प्रेजेंट वाले कॉलम को डेटा पे क्लिक किया, डेटा पे क्लिक करने के बाद सब टोटल पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं यूज फंक्शन में बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, जो फंक्शन आपको यूज करना है उसे उपयोग कर सकते हैं। हमने हमें एवरेज वैल्यू निकालना है तो हमने एवरेज को सेलेक्ट किया, एवरेज को सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर दिया। ओके के बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल एवरेज दिया हुआ है उसको यहाँ पे उनको काउंट करके उसको एवरेज वैल्यू निकाल दिया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है 29 जो उसकी एवरेज वैल्यू है। इन सबको काउंट करने के बाद 29 एवरेज वैल्यू यहाँ पे आंसर आ गया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है।
तो इस प्रकार से आप सब टोटल की मदद से पहले से दिए गए कुछ फॉर्मूलास को आप उनका उपयोग कर सकते हैं। सब टोटल की मदद से टोटल, काउंट, मैक्स, मिनिमम, एवरेज इत्यादि ये सब निकाल सकते हैं, सब टोटल का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब वैलिडेशन का उपयोग करना सीखें। वैलिडेशन का उपयोग आप जब करेंगे, जब आप अपने किसी भी कॉलम में कोई भी कंडीशन देना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि किसी भी एक कॉलम में सिर्फ टेक्स्ट ही या कोई नंबर आए, तब आप वैलिडेशन का उपयोग करेंगे। आइए अब वैलिडेशन ऑप्शन का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से वैलिडिटी के बारे में सीखते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमने इस पे सब टोटल का उपयोग किया था, जिसके अंदर अलग से डेटा था, आप उसे अंडू करके हटा दें या एक एक करके सेलेक्ट करके उसे डिलीट कर दें। आप उसे एक सिर्फ नॉर्मल डेटा में रहने दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने जो सब टोटल लगाया था उसको हमने यहाँ पे डिलीट करके हटा दिया। आप चाहें तो अंडू कर सकते हैं या एक एक को सेलेक्ट करके उसे हटा सकते हैं। जहां पे आप वैलिडिटी लगाना चाहते हैं, जिस सेल के अंदर, उस सेल को सेलेक्ट करें, डेटा पे क्लिक करें और वैलिडिटी पे क्लिक कर दें। वैलिडिटी पे क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया के अंदर अलग अलग प्रकार की वैल्यू दिए हुए हैं, कंडीशन दिए हुए हैं कि आप उस सेल के अंदर किस प्रकार की कंडीशन चाहते हैं या किस प्रकार के नंबर टेक्स्ट चाहते हैं, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे नंबर्स, होल नंबर को सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पे कंडीशन दे दिया, ग्रेटर देन का कंडीशन दिया। यहाँ पे किससे ज़्यादा चाहिए नंबर, हमने वो यहाँ पे टाइप करेंगे। हमने यहाँ पे 100 टाइप किया। इनपुट हेल्प में आप चाहे तो उसके लिए सर, अगर कोई हेल्प देना चाहते हैं कि कोई आप हिंट देना चाहते हो, वो आप यहाँ पे हिंट टाइप कर सकते हैं। एरर अलर्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्शन एक्शन के अंदर अलग अलग प्रकार के दे रखे हैं, स्टॉप, वार्निंग, इंफॉर्मेशन, मैक्रो। जब आप कोई भी रॉन्ग वर्ड टाइप करेंगे, 100 से कम टाइप करेंगे, तो आपको यहाँ पे वार्निंग आ जाएगा लिखा हुआ। अगर आप एरर मैसेज डालना चाहते हैं कि उस एरर में क्या मैसेज आना चाहिए, तो आप यहाँ पे एरर मैसेज टाइप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एरर मैसेज टाइप किया, ग्रेटर देन 100। फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। तो अब आप देखेंगे जो ये सेल है, इसके अंदर हमने एक वैलिडिटी लगा दी, इसके अंदर कंडीशन लगा दिया है। जब भी आप 100 से नीचे कुछ टाइप करेंगे, तो इस प्रकार से आपके पास एरर आ जाएगा, जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हिंट के साथ में एरर आ जाएगा, ग्रेटर देन 100। अगर ओके पे क्लिक करेंगे तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, अगर नहीं करेंगे तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वैलिडिटी की मदद से आप किसी भी सेल के अंदर किसी भी प्रकार की कंडीशन लगा सकते हैं। अगर कोई भी यूजर अगर उस कंडीशन को फॉलो नहीं करता जो आपने कंडीशन लगाया है, अगर उसके अलावा कुछ और टाइप करता है, तो उस सेल के अंदर वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो भी वो टाइप करेगा उसे इनवैलिड शो कर देगा या वहाँ पे कुछ एरर आ जाएगा, उसके अंदर टाइप नहीं कर पाएगा। आगे समझते हैं, एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हमने अगले सेल को सेलेक्ट किया, डेटा पे क्लिक किया, वैलिडिटी पे क्लिक किया, हमने क्राइटेरिया पे सेलेक्ट किया। हमें किस तरीके का आपको क्राइटेरिया, किस तरीके का आपको कंडीशन लगानी है, वो इनमें से आप सेलेक्ट कर लें। हमने यहाँ पे डेट को सेलेक्ट किया। अभी हमने यहाँ पे डेट को सेलेक्ट किया, अगर हम उस सेल के अंदर डेट के अलावा कुछ भी टाइप करेंगे तो वहां पे इनवैलिड शो करेगा। और हमने यहाँ पे कंडीशन भी दे दिया, ग्रेटर देन 7, जो डेट होनी चाहिए वो 7 से ऊपर होनी चाहिए। फिर हमने ओके पे क्लिक किया। अब उस सेल के अंदर सिर्फ डेट कि जो फॉर्मेट है वही एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा अगर उसके अंदर हम कुछ भी टाइप करेंगे तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे इनवैलिड वैल्यू लिखा हुआ है। इसके अंदर आप कुछ भी टाइप करें, हमने 7 टाइप किया तो भी इनवैलिड लिखा हुआ आया। अगर आप टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट भी लिखना चाहते हैं तो भी इसको इनवैलिड शो कर देगा। अभी हम यहाँ पे टाइम लिख रहे हैं,
हमने यहाँ पे 12 10 लिखा, एंटर प्रेस किया तो भी इनवैलिड, इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर हम इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने टेक्स्ट डेट लिखा तो भी इसे इनवैलिड कर रहा है, ये सिर्फ डेट के फॉर्मेट को ही एक्सेप्ट करेगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी सेल के अंदर कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, अगर यूजर उसको फॉलो नहीं करता तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके अंदर कोई भी डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी हम दूसरे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इस बार हमने लिस्ट को टाइप किया है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने लिस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया। आप अगर किसी भी सेल के अंदर कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आप अपने सेल के अंदर चाहते हैं कि यूजर सिर्फ जो आप लिस्ट देना चाहते हो उसी लिस्ट के अंदर सेलेक्ट करें और वही चीज उस लिस्ट के अंदर आए, उस सेल के अंदर आए, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे लिस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया और लिस्ट के अंदर यहाँ पे मैं जो एंट्री करूँगा वो मंथ नेम होगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने जेन टाइप किया, फेब मार्च अप्रैल, इस प्रकार से मैं अलग अलग, इस प्रकार से मैं जो मंथ नेम है वो लिस्ट में मैंने यहाँ पे मंथ नेम दे दिया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, दिसंबर तक मैं मंथ नेम यहाँ पे लिख दूंगा। आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है यहाँ पे मंथ नेम लिखा जा रहा है, हमने यहाँ पे दिसंबर तक मंथ नेम लिखा। अब आप देख सकते हैं जिस सेल पे हमने लिखा था वहाँ पे एक बटन आ गया, जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तब आप उसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जो यह बटन है आपको उस बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो लिस्ट हमने बनाया था वो लिस्ट यहाँ पे आ गया है। आप सिर्फ इसी लिस्ट में से कोई भी मंथ को सिलेक्ट करके उसे यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, सिर्फ आप उस बटन पे क्लिक करेंगे जो लिस्ट हमने बनाई थी वो लिस्ट, पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से आप वैलिडिटी की मदद से अलग अलग ऑप्शन, जैसे कि अलग अलग कंडीशन, चाहे आप टेक्स्ट लेंथ, लिस्ट, सेल रेंज, ऑल वैल्यू, अलग अलग प्रकार की कंडीशन किसी भी सेल के अंदर लगा सकते हैं, अगर यूजर उसको फॉलो नहीं करता तो उसको एरर शो करेगा या एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस प्रकार से हम वैलिडिटी का उपयोग करना सीख सकते हैं। आइए आप टेक्स्ट टू कॉलम के ऑप्शन के बारे में सीखें। टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन का उपयोग आप तब करेंगे जब आपने किसी भी कॉलम के कोई भी टेक्स्ट अथवा किसी भी नंबर को कॉमा या किसी दूसरे सिंबल के द्वारा दिखाया है, आप उसको अलग करना चाहते हैं, आप उसे दूसरे कॉलम में लाना चाहते हैं, तब हम टेक्स्ट टू कॉलम का उपयोग करेंगे। आइए वीडियो की मदद से टेक्स्ट टू कॉलम का उपयोग करना सीखे। आइए वीडियो की मदद से टेक्स्ट टू कॉलम का उपयोग करना सीखें। टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से आप एक सेल के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम के अंदर ला सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स टाइप किया, ए बी, उसको हमने कोमा से सेपरेट किया, एक्स वाई, फिर हमने कोमा से सेपरेट किया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने तीन अलग अलग पेयर में हमने वर्ड्स को लिखा और उसको कोमा से अलग किया, उसको सेपरेट किया। अब हम चाहते हैं कि ये तीनों अलग अलग कॉलम में आए, इसके लिए सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने एक बार इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अपने पॉइंटर को डेटा ऑप्शन पे लेके जाएंगे, डेटा मेन्यू पे क्लिक करेंगे, डेटा मेन्यू पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही टेक्स्ट टू ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेपरेटेड बाय का ऑप्शन आ रहा है, सेपरेटेड बाय में अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, टैब, कोमा, अदर, मर्ज, डेसिमल्स, ये अलग अलग प्रकार से यहाँ पे आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने जो टेक्स्ट को किससे आपने सेपरेट किया है, हमने यहाँ पे कॉलम्स कॉमा से सेपरेट किया, इसीलिए कॉमा वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। टैब ऑप्शन को हटा के जिससे आपने सेपरेट किया उसको आप सेलेक्ट करेंगे, हमने यहाँ पे कॉमा को कॉमा से सेपरेट किया था इसीलिए हम यहाँ पे कॉमा पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके के बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो एक सेल के अंदर तीन वर्ड्स लिखे हुए थे वो अलग अलग कॉलम
कॉलम के अंदर अलग अलग सेल के अंदर आ गया। इसी प्रकार से फिर से उदाहरण के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। इस सेल में अब हमने यहाँ पे डेट को टाइप कर रहे हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है 14/10/7/2016। हमने यहाँ पे डेट टाइप किया। डेट टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं अब इसे हमें अलग अलग कॉलम के अंदर लाना है। तो इसको पहले क्लिक करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद डेटा मेन्यू पे क्लिक करेंगे, एक बॉक्स आएगा, फिर अपने पॉइंटर को टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन को लेके जाना है, वहां पे सिलेक्ट कर देना है। अभी आपको सेपरेटेड डिवाइस में देखना है कि किससे आपने सेपरेट किया था। वो ऑप्शन यहाँ पे ढूंढना है, वो ऑप्शन है ही नहीं है। जैसे यहाँ पे टैब कोमा अदर सेमी कॉलन स्पेस ये ऑप्शन है, हमने स्लैश से किया था, यहाँ पे स्लैश का ऑप्शन नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे टैब को पहले हटा दें और अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। हमने यहाँ पे टैब को हटाया, अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया था। जिस सिंबल से आपने अपने टेक्स्ट को या नंबर को सेपरेट किया था वो सिंबल यहाँ पे टाइप कर दें। हमने यहाँ पे वो सिंबल टाइप किया, जैसे हमने सिंबल को टाइप किया था यहाँ पे आप देख सकते हैं वो अलग अलग कॉलम में आ गया। ओके के बटन पे क्लिक करें। जैसे ही ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो नंबर था जो डेट था वो अलग अलग कॉलम में अलग अलग सेल में आ गया है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं। हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स टाइप किया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे कंप्यूटर्स डॉट शिक्षा लिखा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। इस बार हमने पॉइंट डॉट से इसको सेपरेट कर रखा है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। कंप्यूटर के बाद डॉट लगा हुआ है और उसके बाद फिर शिक्षा लिखा है। हम चाहते हैं कि ये दोनों अलग अलग सेल के अंदर आ जाए, अलग अलग कॉलम में आ जाए। डेटा पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक किया, टेक्स्ट टू कॉलम। अभी देखना कि सेपरेटेड बाय में आपको डॉट ढूंढना है, डॉट का ऑप्शन ही दे रखा है। टैब को हटाएं, अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया, जिस सिंबल से आपने सेपरेट किया था वो सिंबल यहाँ पे टाइप कर दे। हमने यहाँ पे डॉट टाइप किया और फिर ओके के बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कंप्यूटर अलग सेल में आ गया, शिक्षा अलग सेल में आ गया, दोनों ये अलग अलग कॉलम में आ गया है। तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट टू कॉलम का उपयोग करके टेक्स्ट या नंबर को अलग अलग कॉलम में ला सकते हैं, अलग अलग सेल में ला सकते हैं। आइए अब नाउ टुडे ईयर मंथ फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। क्या आप जानते हैं नाउ फॉर्मूला का उपयोग क्यों करते हैं? नाउ फॉर्मूला की मदद से आपके कंप्यूटर में जो डेट और टाइम होगा उस डेट और टाइम को आप इंसर्ट कर सकते हैं या ला सकते हैं। आइए वीडियो की मदद से नाउ फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं नाउ फॉर्मूला का उपयोग कैसे करते हैं। नाउ फॉर्मूला की मदद से आप जो अभी करंट डेट या टाइम है, करंट डेट टाइम को निकाल सकते हैं। सबसे पहले सीट टू पे क्लिक करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। दूसरी सीट पे नाउ फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, जहां पे आपको नाउ फॉर्मूला यूज करना है वहां पे नाउ लिखें। उसके नीचे हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमने इक्वल टू फिर नाउ लिखा, नाउ लिखने के बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और फिर इसके बाद क्लोज करना है। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ब्रैकेट को स्टार्ट और क्लोज करना है, फिर एंटर बटन दबा देना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी फॉर्मूला नहीं आया। हम सेल के जो कॉलम है उसकी विड्थ को बढ़ाएंगे। जैसे ही विड्थ को हमने बढ़ाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट और जो अभी का टाइम है वो यहाँ पे आ गया। तो आप सभी नाउ फॉर्मूला की मदद से जो करंट डेट और टाइम है उसको निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप नाउ फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। अब आप टुडे फॉर्मूला के बारे में सीखेंगे। टुडे फॉर्मूला का उपयोग आप उस समय करेंगे जब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सीट पर आज की डेट इंसर्ट करनी है। आइए अब वीडियो की मदद से टुडे फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से टुडे फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। टुडे फॉर्मूला की मदद से आप
जो आज की डेट है, जो करंट डेट है, उस डेट को आप निकाल सकते हैं, वो दिनांक आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले टुडे लिखें, जिस जहाँ पे आप डेट फॉर्मूला का उपयोग करना चाहते हैं वहाँ पे टुडे लिखें। उसके नीचे इक्वल टू का सिंबल टाइप करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। इक्वल टू का सिंबल टाइप किया, उसके बाद हमने यहाँ पे टुडे लिखा। टुडे के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है। इसके अंदर कोई नंबर या टेक्स्ट नहीं लिखना, सिर्फ ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और क्लोज करना है। फिर एक बार एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे एंटर बटन को प्रेस करेंगे, जो आज की डेट है, जो करंट डेट है, वो आपकी सीट पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप टुडे की मदद से करंट डेट, जो या आज की डेट है, उसे निकाल सकते हैं। आइए अब डे फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। डे फॉर्मूला का उपयोग आप तब करेंगे जब जब आपको किसी डेट में से सिर्फ डे को निकालना है। आइए वीडियो की मदद से डे फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से डे फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले जहाँ पे आपको डे फॉर्मूला निकालना है, डे निकालना है, वहाँ पे डे टाइप करें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने डे टाइप किया। अब इसके नीचे वाले सेल में हम डे फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले इक्वल टू टाइप किया और डे लिखा। डे आप उसी से यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर नंबर का मतलब आपको डेट को सिलेक्ट करना है। ये डेट में से जो डेट है उसमें से डे को काउंट करके निकालेगा। हमने यहाँ पे डेट को सेलेक्ट किया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसे हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, जो इस डेट में डेट है वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। जैसे कि 14, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 7/4/16, जो 14 है वो डेट है, वो डे है। तो इस प्रकार से आप किसी भी डेट में से, जो डेट दिया गया है, उस डेट में से आप डे को काउंट कर सकते हैं डे फॉर्मूला की मदद से। आइए अब पर मंथ फॉर्मूला का उपयोग आप तब करेंगे जब आपको किसी डेट में से सिर्फ मंथ को ही निकालना है। आइए वीडियो की मदद से मंथ फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से मंथ फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। मंथ फॉर्मूला की मदद से आप जो दिए गए डेट है, डेट के अंदर से आप मंथ को काउंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक डेट लिखा हुआ है, इस डेट में से हमें मंथ को निकालना है। तो सबसे पहले जहां पे आपको मंथ निकालना है वहां पे मंथ टाइप करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब हम इसके नीचे मंथ को कैलकुलेट करेंगे, मंथ को निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले इक्वल टू मंथ लिखा, मंथ लिखने के बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ नंबर लिखा हुआ है, नंबर में आपको डेट को सिलेक्ट करना है। हमने डेट को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट को क्लोज किया। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर बटन दबा दिया। तो आप देख सकते हैं जो उस डेट में मंथ है वो मंथ को निकाल दिया, यहाँ पे मंथ को काउंट किया। यहाँ पे 7 मंथ है, यहाँ पे 7 आंसर आ गया। इस प्रकार से आप मंथ फॉर्मूला के उपयोग करके किसी भी डेट में से मंथ को निकाल सकते हैं। ईयर फॉर्मूला का उपयोग आप तब करेंगे जब आप किसी डेट में से सिर्फ ईयर को निकालना है। आइए वीडियो की मदद से ईयर फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से ईयर फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। ईयर फॉर्मूला की मदद से आप जो डेट दिया हुआ है, जो तारीख दिया हुआ है, उस तारीख में से आप जो उसके अंदर ईयर दिया हुआ है, जो साल दिया हुआ है, आप उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमें निकालना है ईयर का फॉर्मूला, हमने सबसे पहले वहाँ पे ईयर लिखा। उसके नीचे आप सभी को इक्वल टू को टाइप करना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले हमें इक्वल टू टाइप करना होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे इक्वल टू टाइप किया। ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद जो डेट है, जहाँ भी डेट दिया उस डेट को सेलेक्ट कर लें। जहाँ पे आपको देखते हैं यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, नंबर की जगह आपको डेट सेलेक्ट करना है। डेट को सेलेक्ट किया और फिर ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर बटन दबा देना है। तो उस डेट में से जो ईयर है वो ईयर है आपको काउंट करके बता देगा, जो ईयर है वो ईयर निकाल के यहाँ पे दिखा देगा। इस प्रकार से आप ईयर की मदद से किसी भी डेट में से ईयर को निकाल सकते हैं। अब आप पिछली क्लास के फॉर्मूला का रिवीजन कर सकते हैं।
अब आप एवरेज और एवरेज ए का रिवीजन करें। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देख के सीखते हैं एवरेज ए और एवरेज फॉर्मूला का उपयोग कैसे करते हैं। एवरेज फॉर्मूला की मदद से आप सिर्फ और सिर्फ नंबरों का एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज ए टेक्स्ट और नंबर दोनों का एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए सबसे पहले एवरेज फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ नंबर टाइप्स करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे तीन अलग अलग प्रकार के नंबर टाइप किए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम इन तीनों नंबरों का एवरेज वैल्यू निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम इक्वल टू टाइप करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू टाइप करने के बाद अब हम यहाँ पे एवरेज लिखेंगे। एवरेज लिखने के बाद हमने ब्रैकेट को स्टार्ट किया। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम तीनों नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हमने तीनों नंबर को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर बटन को एक बार प्रेस करेंगे। जैसे एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इन तीनों नंबर का जो एवरेज है, एवरेज वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से आप एवरेज निकाल सकते हैं। आइए अब हम एवरेज ए का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले हम एवरेज ए टाइप करेंगे। अबे हमें यहाँ पे एक अलग अलग प्रकार की वैल्यू लिखना है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं एवरेज ए के अंदर एक वैल्यू टेक्स्ट की होगी और दूसरी वैल्यू नंबर। एवरेज ए की मदद से आप टेक्स्ट और नंबर दोनों के ही एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे अलग अलग दो टाइप्स के नंबर लिखे, एक में टेक्स्ट है और दूसरे में नंबर, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे हमने पहले सेल में ए टाइप किया, फिर दो अलग अलग सेल में हमने दो नंबर टाइप्स किए, फिर अगले रो में हमने फिर से एक टेक्स्ट टाइप किया और उसके अगले सेल में हमने एक नंबर टाइप किया। अब हमें एवरेज ए की मदद से टेक्स्ट और नंबर का एवरेज वैल्यू निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम इक्वल टू को टाइप करेंगे, उसके बाद एवरेज ए टाइप करेंगे। ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर हम तीनों नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, जिसके अंदर टेक्स्ट भी है और नंबर भी है। इन वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है, फिर एक बार एंटर बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो एवरेज वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी वैल्यू के एवरेज वैल्यू निकालने के लिए फिर से आप इक्वल टू को टाइप करें। इक्वल टू को टाइप करेंगे सबसे पहले, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ब्रैकेट को स्टार्ट किया, अब इस दोनों नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, दोनों वैल्यू जिसमें दे सकते हैं, एक वैल्यू में टेक्स्ट लिखा हुआ है और दूसरे वैल्यू में नंबर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टेक्स्ट है उसकी वैल्यू एक है और जो नंबर है उसकी वैल्यू भी एक है, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू 1 1 काउंट कर रहे हैं। इन दोनों वैल्यू की आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकाल दिया है, जो आंसर आया है वो 50 आया है। अगर आप दोनों वैल्यू में टैक्स लेते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे अलग अलग सेल में दो टैक्स टाइप किए हैं। हमने यहाँ पे अलग अलग सेल में दो अलग अलग टैक्स वैल्यू टाइप किए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। एक सेल में हमने ए टाइप किया, दूसरे सेल में हमने बी टाइप किया, तो आप देख सकते हैं कि जो दोनों वैल्यू है वो टैक्स वैल्यू है। जब आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 0 होगा।
एवरेज ए के अंदर नंबर के साथ में टेक्स्ट के साथ में नंबर होना जरूरी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के एवरेज निकालेंगे तो जो उसका रिजल्ट होगा वो जीरो होगा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हमने दोनों टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर बटन को प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं जो आंसर आया है वो जीरो आया है। तो इस प्रकार से आप एवरेज और एवरेज ए फॉर्मूला का उपयोग करना सीख सकते हैं। अब आप काउंट ए और स्क्वायर रूट फॉर्मूला का रिवीजन करें। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी अपने फाइल को सेव करें और फिर अपने कंप्यूटर को शटडाउन करें। आज की क्लास में आपने जो सीखा वह कुछ इस प्रकार से है। आपने डेटा मेन्यू के कुछ ऑप्शन जैसे कि डिफाइन रेंज, सेलेक्ट रेंज, सॉर्ट, फिल्टर, सब टोटल, वैलिडेशन, टेक्स्ट टू कॉलम के बारे में सीखा और साथ में टुडे, नाउ, डे, मंथ, ईयर के फॉर्मूले के बारे में सीखा।